क्या चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है। यस, फोक चलना बंद हो गया ना, इस करके बुढ़ापा चलने लगा। यार कुछ भी चल रहा है यार, बुढ़ापा चल रहा है, ये क्या सीन चल रहा है, समझ में नहीं आया। हाँ तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, फेस ऐप एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके गूगल प्ले स्टोर पर 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हाँ जी, ये 2017 में एप्लीकेशन आई थी, लेकिन 2019 में सबसे ज्यादा एक वायरल हो चुकी है एप्लीकेशन। हर एक इंसान बूढ़ा हो रहा है आज के टाइम में, यार चल क्या रहा है, कुछ तो देखो, कुछ भी चला दोगे, कुछ भी वायरल हो जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा कि एक्चुअली में फेस ऐप एप्लीकेशन कर क्या रहा है, कहाँ की एप्लीकेशन है? यस, ये रूस की एप्लीकेशन है, और सबसे बड़ा इसके ऊपर काफी सारे सवाल उठने लग गए। सवाल किस चीज के? डेटा के, आपके जानकारी लॉस्ट होने के, आपके फोटोज के, क्या होता है इन सारे फोटोज के साथ, क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को ध्यान से सुनिए, और वीडियो को मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट की बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जरूरी लगी है वीडियो बनाना, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यार फेस ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें फिल्टर्स का यूज करके आप जवान भी बन सकते हो और बूढ़ा भी बन सकते हो। यस, इसके 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। रूस की एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इसमें आपकी जानकारी का, कि आपकी जानकारी, आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट तो नहीं हो रही है, या वो इन्फॉर्मेशन का यूज कहीं और तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेसी की। वैसे तो फेस ऐप का कहना है कि 48 आवर्स तक अपना, आपका जो डेटा है यूजर्स का, वो हम रखते हैं, और उसके बाद अपने सर्वर से उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन ध्यान से इसकी प्राइवेसी पढ़िए, प्राइवेसी पॉलिसी जो आप फटाफट से आगे कर देते हैं। लेकिन आप सबसे पहले तो बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी परमिशन दे रहे हैं अपने फोटोज को एक्सेस करने का, क्योंकि जैसे ही परमिशन मांगते हैं एंड्रॉइड फोन के अंदर, की परमिशन मांग रहा है कि कैन इट एक्सेस योर फोटोज, एंड वी से यस इट कैन एक्सेस आवर फोटोज। तो हम अपनी परमिशन खुद दे रहे हैं फोटोज की, तो इसके प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर आप परमिशन दे रहे हो फोटोज की, देन यू आर अग्रीड कि आप, आपकी फोटोज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, इसमें टर्म है ट्रांसफरेबल, दैट मींस कि आपकी फोटोज जो आपने यहाँ से अपलोड करी, उसके बाद कहीं पर भी ट्रांसफर करी जा सकती है। यस, लोगों का माइंड में नहीं आता कि एक्चुअली में सीन है क्या, ट्रांसफरेबल यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को और आपकी फोटोज को कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसे तो फेस ऐप का कहना है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को ये फोटोज या कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते हैं, कुछ भी सेंड नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टनर्स को ये डेटा दे सकते हैं। अब पार्टनर्स क्या होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों आप कुछ सोचे, एप्लीकेशन का यूज करें, बूढ़े बने, लेकिन बूढ़े बनते बनते जिंदगी को बूढ़ा मत कर दीजिए, या फिर जिंदगी की इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको दांव पर मत लगाइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि किस एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है। ये वर्चुअली बूढ़ा बनना ठीक है, फन के लिए अच्छा है, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन का, प्राइवेसी का आप खुद ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक करके जाइएगा वीडियो को, और चैनल पर नया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। जय हिंद।